हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गुड़िया कॉर्नर। तो आज हम रिव्यू करेंगे क्रायलॉन के टीवी पेंट स्टिक पर। मैं आज आपको बताऊंगी इसके प्रोज, इसके कॉन्स, इसकी प्राइस, इसकी पैकेजिंग, सब कुछ, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट क्रायलॉन टीवी पेंट स्टिक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 2150, लेकिन पहले पाकिस्तान में इसकी प्राइस थी 1700, लेकिन इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है तो मेकअप भी बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। तो अब इसकी प्राइस है 2150 और ये मार्केट में बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है, लेकिन इसके ड्यूप्स भी आते हैं, यानी कि इसकी कॉपी भी आती है। तो ओरिजिनल पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक कोड मिला होगा जिसे आपको स्क्रैच करना है। मैंने जानने के लिए इसे स्क्रैच किया था और आपको नीचे दिए हुए नंबर पे इनको मैसेज करना है। अगर वहाँ से मैसेज आ गया कि हाँ ये ओरिजिनल है, तो फिर आप समझ लीजिएगा ये ओरिजिनल है, वरना किसी ने आपको जो है उल्लू बनाया है। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो इसकी पैकेजिंग एक प्लास्टिक की बॉटल में आता है और ये क्लॉकवाइज यहाँ से ओपन होता है और नीचे से भी इसे घुमाना पड़ता है, जिससे प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी थिक है, मतलब एक थिक क्रीम है, जैसे कि एक स्टिक फाउंडेशन की होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये थिक है, क्रीमी भी है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत सारे शेड्स में आता है। जो ये वाला शेड है वो है आइवरी शेड और ये कम से कम 250 शेड्स में आता है, तो जिसकी वजह से इसका कलर पहचानना जो है अपनी स्किन टोन के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि किस स्किन टोन के लिए कौन सा शेड यूज़ करना चाहिए। तो आपको हमेशा ऐसी दो स्टिक्स लेनी पड़ेंगी जिससे आपकी स्किन का जो है कलर मैच हो सके। तो अब आते हैं इसके प्रोस पर। ये ट्रैवल फ्रेंडली है और बजट फ्रेंडली भी है। इसके अलावा इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, 12 आवर्स तक टिकी रहे, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। और दूसरा ये कि इसकी एक्सपायरी डेट भी बहुत ज़्यादा दूर है, आफ्टर ओपनिंग आप इसे 2 साल तक चला सकते हैं, यानी कि 24 मंथ्स, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है इसमें। और दूसरा ये कि आपके फेस पर ये ऑक्सीडाइज भी नहीं होता, जैसा स्टिक का कलर है वैसा ही आपके फेस पर रहेगा, गायब नहीं हो जाएगा। ते हैं इसके कॉन्स पर। आप इसे बिना मॉइस्चराइज़र के बिल्कुल भी मत सोचिएगा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेकी हो जाएगी और जो पैचेस हैं इस स्टिक के वो दिखाई देंगे अलग अलग जगहों पर आपकी स्किन पे, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। उसके अलावा ड्राई स्किन पर तो ये बिल्कुल भी ब्लेंड नहीं होगा अच्छे से। और दूसरा ये कि ये 250 कलर्स में अवेलेबल है ये स्टिक, और ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं लिखा है इन्होंने कि ये कौन सी स्किन टोन के लिए है, तो आपको हमेशा इसके 2 शेड्स परचेस करने पड़ेंगे अपनी स्किन टोन से मैच करने के लिए। उसके अलावा ये इतना इजीली ब्लेंड नहीं होता है, आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना होगा, जिसकी वजह से आपके स्किन का जो फिनिश लुक है वो ज़्यादा अच्छा है। सो व्यूवर्स, ये था मेरा आज का रिव्यू क्रायलॉन की टीवी पेंट स्टिक पर। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि आप मेरे चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते। देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।